पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वात से मुंतखब होने वाले रुकन सूबाई असम्बली और साबिक सूबाई वजीर महमूद खान को सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद करने का ऐलान किया है। पीटीआई मीडिया सेल की तरफ से बुध की शाम जारी करदा मुख्तसर बयान में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने महमूद खान को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया है। 46 साल महमूद खान का ताल्लुक स्वात के इलाके मट्टा से है और वो पहली मरतबा 2013 में स्वात से पीटीआई के टिकट पर सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और बाद में सूबाई काबीना में वजीरे खेल और सकाफत और आबाशी के ओहदे पर फाइज रहे। हालिया इंतखाबात में स्वात के हलका PK9 से सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। नर्म लहजे के हामिल पीटीआई रहनुमा 2013 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इससे कबल वो कुछ अरसे के लिए पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे और इस दौरान वो मट्टा के इलाका से यूनियन काउंसिल के नाजिम भी मुंतखब हुए थे। पीटीआई जराये के मुताबिक महमूद खान ने अपनी इब्तदाई तालीम स्वात और पिशावर के तालीमी इदारों से हासिल की और बाद में जराई यूनिवर्सिटी पिशावर से MSc की डिग्री हासिल की। बाद जराये का कहना है कि इमरान खान के करीबी समझे जाने वाले स्वात से रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद ने महमूद खान की नामजदगी में अहम किरदार अदा किया। 25 न्यूज़ पिशावर।